हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं प्रियंकर मधुबनी बिहार, आज बात करेंगे क्लास 11th। आप क्लास 11th केमिस्ट्री जो है रेगुलर क्लास आपको मिलेगा सुबह 5 बजे और शाम में 6 बजे आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अब देखिए आज हम बात करेंगे आईयूपीएससी फॉर्मेट। ठीक है, आईयूपीएससी फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आईयूपीएससी क्या होता है, कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा, आपको बोलेगा आईयूपीएससी के नेम लिखे, और जो आपको इस तरह से बोला जाएगा तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक केमिस्ट्री आना बहुत ही ज़रूरत है। जब तक आपको बेसिक केमिस्ट्री नहीं आता है तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। वैसे बताने के लिए जो है सो आपका भी दोस्त वगैरह वगैरह जो होगा आपको बता देगा, लेकिन आपको ये नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आईयूपीएससी का पूरा फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो को, बिना टाइम का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला है जो है आपको यहाँ से आप इतना अगर याद रखते हैं, अगर इतना आप याद रख लिए तो आप पूरा यानी क्लास 11 से लेकर PhD लेवल तक की केमिस्ट्री को आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपका नाम नहीं छूटेगा। यह मेरा चैलेंज है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहले देख सकते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस यानी कि 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। तो यह है हमारा चार्ट है, इसको आपको याद रखना ही होगा। आप चाहते हैं हम दो चार याद कर लेंगे, एग्जामिनर का ये मालूम नहीं सो क्या होता है क्या नहीं होता, कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, इतना देखिए ना आपको इतना ही कितना याद होता है। तो यहाँ ये बात है यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज करते हैं। 2 डिग्री जो प्रीफिक्स हुआ हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज करते हैं यानी कि शाखा, जैसे पेड़ में शाखा होता है जिसका ब्रांच होता है, जैसे बैंक होता है एक उसका कहीं कहीं ब्रांच बहुत जगह होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो वही बात है 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है किसके लिए यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज करते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या होता है, ठीक है, जैसे CH3 हो गया हमारा CH3, इसके बाद कितना CH3, तो यह हमारा सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि देख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट यानी जिसको बोलते हैं शाखा बोलते हैं, तो यह हमारा सब्स्टिट्यूएंट निकल गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1 डिग्री या फिर सफिक्स प्रीफिक्स जो है किसके लिए यूज करते हैं, तो वो साइक्लो के लिए यूज करते हैं यानी कि साइकिल आकार यानी कि साइक्लो के लिए हम यूज करते हैं। तो वही बात है यानी कि क्या हो गया हमारा साइक्लो क्या होता है, जिस प्रकार से घेरा हो गया इस तरह से हो गया, जैसे चूड़ी होता है जैसे अगला बगल जो होता है वो हमारा साइक्लो होगा, क्या है साइक्लो होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम साइक्लो का यूज करते हैं, जब तक घेरा हुआ कंपाउंड यानी कि घिरी हुई कंपाउंड जब तक आप नजर नहीं आए आप साइक्लो का उपयोग नहीं करेंगे। वही बात है, अब बात करते हैं वर्ड रूट, अरे वर्ड रूट किसके लिए यूज करते हैं, वर्ड रूट जो यूज करते हैं तो कार्बन 1 कार्बन के लिए मिथ का उपयोग करते हैं, 2 कार्बन इथ, 3 यहाँ पर रूट साइड में, तो वही बात है। इसके बाद 3 कार्बन के लिए प्रोप का उपयोग करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए जो हेक्स होता है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ओक्ट, 9 कार्बन के लिए नोन, 10 कार्बन के लिए डेथ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं 1 डिग्री जो सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, तो दोस्तों 1 डिग्री सफिक्स जो होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग करते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम अपना जो है यह वर्ड रूट का क्या होते हैं, हम 1 डिग्री जो है सो सफिक्स का यूज करते हैं। इसके बाद क्या है 2 डिग्री जो सफिक्स होता है उसको हम सबसे यानी कि जो है सो फंक्शनल ग्रुप के बारे में अध्ययन करते हैं, आपको फंक्शनल ग्रुप आपको आगे मिलेगा इसी चैनल पर मिलेगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगे आपको ये किस कारण से अच्छा नहीं लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को चलते हैं हमारा क्वेश्चन, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नजर आए और उसको नाम लिखने के लिए अगर बोल दिया जाए, उसका नेमिंग करने के लिए अगर आपको बोले, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इतना याद होना चाहिए। इसके बाद 3 पोजीशन और, सबसे पहले सिलेक्शन पैरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन का नाम है सबसे लंबा कार्बन चेन उसमें खोजना है, सबसे लंबा कार्बन चेन आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है। इसके बाद क्या है नंबरिंग, लोएस्ट पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी कि लोएस्ट पोजिशन सबसे नज़दीक खोजना है, तो नज़दीक शाखा कौन सा है उसको खोजना है। और तीसरी बात है नेमिंग करना है, तीसरी बात होगी यहाँ पर नेमिंग होगा, नंबरिंग लिखा गया साइड में, तीसरी पोजीशन में आप नेमिंग कीजिए, तीसरे में आप तीसरा नंबर में जाकर आप नेमिंग कीजिए। जैसे आप चलिए आप क्वेश्चन देखते प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 प्रैक्टिस हम करवाएंगे, बाद आके आप खुद बनाइए, वही मेरा जो है सो
सबसे पहले बात है क्या है CH3। अब देखना हमें सबसे सिलेक्शन करना है, जो सिलेक्शन करना है पेरेंट कार्बन चेन, यानी कि सबसे लंबा कार्बन चेन हमें खोजना है। सबसे लंबा कार्बन चेन क्या होता है, तो देखिए अगर ऐसे लेंगे तो 1, 2, 3 कार्बन का ऐसे भी बनता है, ठीक है। अगर ऐसे लेंगे 1, 2, 3 कार्बन का, सबसे पहले 1, 2 इसको लेते हैं, सबसे लंबा कार्बन चेन तो यही हो गया, ठीक है। सबसे लंबा कार्बन चेन इस तरह से आपका निकल गया, ठीक है, इस तरह से निकला है। अब बात करना नंबरिंग करना है, नंबरिंग लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी सबसे नजदीक। अगर आपको इधर से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, ठीक है, अगर इधर से आप नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, सिर्फ इधर से भी 2 पोजीशन पर आपको सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से भी 2 पोजीशन पर आ रहा है, तो आपकी आपका इच्छा जिधर से चाहे आप उधर से ले सकते हैं। तो देखिए ले लिया, अब तीसरी नंबर पोजीशन है क्या है, सबसे पहले तीसरा नंबर बात करते तो क्या है, देख सकते हैं नेमिंग करना है। तीन नंबर में जाकर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। तो चलिए इतना अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी नाम लिखने में दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है, आपको समझ में नहीं आवे, तो कॉमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, वही बात है। तो आप देख लीजिए जिस तरह से हो गया क्या है हमारा। आप चलिए सबसे पहले देखना है सब्स्टिट्यूएंट कितना स्थान पर है, तो 1, 2 स्थान पर है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बना रहे हैं इसको, 2 नंबर पोजीशन पर, इधर से आप लीजिए या इधर से लीजिए, तो 2 नंबर पोजीशन पर है, 2 हो गया। इसका नाम क्या है, तो मिथाइल नाम है, CH3 अगर 1 रहेगा तो मिथाइल, CH रहेगा तो इथाइल हो गया, 3 गो अगर CH3 रहेगा तो आपको प्रोपाइल हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। CH3 क्या हुआ, 2 मिथाइल। अब बात करना है कहीं पर साइक्लो है क्या, कहीं पर आपको घेरा दिख रहा है, कंपाउंड घेरा हुआ कंपाउंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो साइक्लो नहीं है क्या। आपको देखिए अब वर्ड रूट की बात करते हैं, तो वर्ड रूट कितने कार्बन के है, 1, 2, 3 कार्बन के है। तो 3 कार्बन के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, तो 3 कार्बन के लिए जो हम प्रोप का उपयोग करते हैं, तो प्रोप यहाँ पर आप बात करते हैं, यानी कि देख सकते हैं 1 डिग्री जो है सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, तो दोस्तों 1 डिग्री सफिक्स से बात होता है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड इन का प्रयोग करते हैं, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन का प्रयोग करते हैं। तो वही बात है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड एन हो गया हमारा, ये क्या हो गया देख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपाइन हो गया। इस तरह से आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या है उसको चलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं तो डिसलाइक आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, CH3, CH2, CH3। यहाँ पर सबसे पहले देखना है लोएस्ट पोजीशन, ठीक है, जो है क्या करना है हमें, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन खोजना है, देखना है सबसे लंबा कार्बन चेन कौन है। आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, या देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन का चेन बन रहा है, इधर से 1, 2, 3, 4 कार्बन का चेन बन रहा है, तो हमारा सबसे लंबा कार्बन चेन यह हो गया, ठीक है। सबसे लंबा यानी कि सीधा भी हुआ है, लंबा भी हुआ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमने सिलेक्शन कर लिया, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन का हम सिलेक्शन कर लिया, यानी कि सबसे लंबा कार्बन चेन हमने खोज लिया है। अब बात करते हैं नंबरिंग करना, लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में क्या करना है, हमें सिलेक्शन करना है। देखिए अगर इधर से काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, अगर उधर से करते हैं 1, 2, 3, 4, तो किधर से लेंगे, इधर से 3 पोजीशन पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट जा रहा है, इधर से 2 पोजीशन पर रहा है, तो हम किधर वाला लेंगे, नजदीक वाला न लेंगे। यहाँ पर लिखा है लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि नजदीक का सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है, तो आप उस पर भी ले सकते हैं। चलिए हम ऊपर वाला नहीं लेते हैं, नीचे वाला लेते हैं, आपको शायद देखने में जो और इसका दूसरा डिजाइन और कुछ आपको बता देते हैं। तो चलिए हम इधर से लेते हैं, इधर से आप देखिए जिधर से नजदीक होगा सबसे जन यानी कि शाखा जिधर से नजदीक होगा उसी को हम लेंगे। तो देखिए चलिए दोस्तों अब तीसरा नंबर हमें नंबरिंग करना है, सबसे लीजिए 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज करते हैं, तो कितना पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पर है ना, तो 2। इसका नाम क्या है, मिथाइल, CH3 मिथाइल देख सकते हैं, कितना हो गया हमारा CH3। अब बात करते हैं अगला, देखिए क्या है हमारा सबसे पहले कितने, अब क्या होगा साइक्लो है कहीं पर, क्या आपको घेरा हुआ कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं वर्ड रूट कितने कार्बन के लिए, यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 कार्बन के, तो 4 कार्बन के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं हम, ब्यूट का, यहाँ पर लेंगे क्या ब्यूट, क्या हो गया हमारा, इसका मिथाइल होगा CH3 जो है तो मिथाइल है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिथाइल ब्यूट। अब बात करते हैं क्या हमारा 1 डिग्री सफिक्स,
ठीक है। तो वन डिग्री सब फिक्स जो है सबसे पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो किस चीज का प्रयोग करेंगे हम, एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, एन हो गया। अब बात करते हैं क्या आपको कहीं पर दिख रहा है, टू डिग्री पी फिक्स में कहीं पर आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा ओ एच सी एच एल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, इस तरह से आपको कहीं पर दिख रहा है क्या, तो आप इस तरह से इसका नंबरिंग कर सकते हैं। कहीं से भी आप क्वेश्चन उठाइए, क्लास 11 से पीएचडी लेवल तक की केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप उठाइए, अगर आपसे नहीं बने तो फिर कुछ कहना। अब देखिए, अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन आप करना सीखिए ना, क्वेश्चन देखिए रटने से कोई फायदा नहीं होता, साइंस रटने का चीज ना आप साइंस समझिए। अब देखिए क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तीन नंबर क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप किसी पर दिखना जो है दिखने में कुछ प्रॉब्लम होगा, इसका क्या है हमारा सी इधर से भी सी एच थ्री ऊपर से भी सी एच थ्री, आप देख लीजिए सी एच टू। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आ गया हमारा, जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्या कहना है सिलेक्शन करना पैरेंट कार्बन चेन की, तो आप देखिए सबसे लंबा कार्बन चेन खोजना है आपको, तो लंबा कार्बन चेन लीजिए, चाहे आप इधर से लीजिएगा एक दो तीन चार, कोई बोलेगा नहीं हम उधर से नहीं लेंगे, एक दो तीन चार लेंगे, ऊपर वाला लेंगे, तो अपने पोजिशन में कितना देखो ये, इधर से कोई बोलेगा ऐसे लेंगे हम एक यहाँ पर लेंगे एक दो तीन चार, तो हमें चार ही कार्बन का ना, अगर ये यहाँ पर नहीं रहता तो यहाँ पर तो जरूर रहता ना, तो वही बात है। तो कितना चार कार्बन के सबसे पहले कितना लंबा चेन है, तो सबसे लंबा चेन जमा निकला कितना है सबसे पहले देख सकते हैं, हम सिलेक्शन कर लिए हैं। दूसरा क्या करना, नंबरिंग करना है लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो देखना है सबसे नजदीक का सब्स्टिट्यूएंट किधर से आ रहा है, अगर इधर से लेंगे तो एक दो तीन पोजीशन पा रहा है, अगर इधर से लेंगे तो एक दो पोजीशन पा रहा है, तो हमारा किधर से अच्छा होगा दो पर होगा ना, इसको क्या होगा दो इधर भी है एक इधर भी है, कितना होगा इसका दो कौमा दो, ठीक है दो कौमा दो, दो को जब भी मिथाइल है एक मिथाइल लेगा तो आप मिथाइल लिख सकते हैं, दो मिथाइल तो डाई मिथाइल, तीन मिथाइल तो ट्राई मिथाइल, आपको ऐसे लिखना है, कितना हो गया हमारा डाई मिथाइल, ठीक है डाई मिथाइल, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। डाई मिथाइल, अब बात करते हैं यहाँ पर हो गया कार्बन, कार्बन कितना है कितने कार्बन है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक दो तीन चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, ब्यूट का उपयोग करते हैं, क्या हो गया हमारा ब्यूट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ना, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन का एन, देखिए कहाँ से गया क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन देखिए ना आप, क्वेश्चन खुद बनाइएगा, आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं होगा, यही बात है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आगे क्वेश्चन जो लीजिए आ गया, आप क्वेश्चन आ गया है सबसे पहले देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको इस पर देखिए बात करते हैं, हम कहीं से कुछ बीच में लाते नहीं है, कहीं से कुछ बीच में लाते नहीं है, कहीं से कुछ बीच में जो है सो अपने मन से देते नहीं है, आप जो है सो सब इसी में से दे रहे हैं। अब देखिए क्या है सबसे पहले सिलेक्शन करना है कार्बन चेन का, सिलेक्शन करते हैं एक दो तीन चार कार्बन होता है, सबसे लंबा कार्बन चेन यही ना होता है, अगर ऐसे भी लेंगे तो एक दो तीन चार होगा, तो क्या जरूरत है उधर से लीजिए उधर से लीजिए, जब बात बराबर है तो क्यों हम दूसरे जगह से लेंगे, वही ना बात है। तो देख लीजिए तो क्या है एक दो तीन चार कार्बन है, चलिए बात करते हैं, और नंबरिंग करना दूसरे में लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करते हैं तो एक दो तीन चार पोजीशन पर, दो पोजीशन पर तीन पोजीशन पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इनकी शाखा आ रहा है, अगर इधर से बात करते हैं तो एक दो पर आ रहा है तीन पर आ रहा है, तो आप जिधर से चाहे आपको जिधर से अच्छा जिधर से दिल चाहे आप उधर से भी ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको काउंटिंग कर देते हैं एक दो तीन चार, इस तरह से हम काउंटिंग कर दिए हैं, आप जिधर से चाहिए उधर से ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं, कितना है दो पोजीशन और तीन पोजीशन पर है ना, तो दो और तीन पोजीशन पर क्या है दो कॉमा, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए बेसिक छोटी छोटी बात पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर देखिए नंबर और नंबर के बीच कॉमा होता है, ठीक है नंबर और वर्ड के बीच जो है सबसे पहले नंबर और वर्ड के बीच डैश होता है, नंबर और लेटर के बीच जिसको बोलते हैं डैश होता है, वही बात है। तो अब क्या हो गया इसका नाम क्या है सबसे पहले देख सकते हैं, कितना मिथाइल है दो मिथाइल है, तो दो के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं हम, तो डाई के उपयोग करते हैं, तो दो के बाद कितना होगा दो कॉमा तीन पोजीशन पर है ना, तो तीन, और दो कितने मिथाइल है एक मिथाइल यहाँ पर एक मिथाइल यहाँ पर, क्या हो गया टू मिथाइल, तो क्या हो गया डाई, ठीक है डाई मिथाइल। अब देखना है क्या कहना है पैरेंट चेन, यहाँ पर वर्ड रूट की इसको इस्तेमाल करना है, तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है, तो कितने कार्बन एक दो तीन चार कार्बन, किस चीज का उपयोग करते हैं तो ब्यूट का उपयोग करते हैं, तो क्या हो गया हमारा ब्यूट। अब बात करते हैं अगला, यानी कि कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन का प्रयोग, देखिए कहाँ गया सवाल, कहाँ गया आपका क्वेश्चन, आपको यहीं से बोलते हैं
क्लास 11 से लेकर पीएचडी लेवल तक आप केमिस्ट्री उल्टा कर देख लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बात करते हैं, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, सिलेक्शन करना हमें सबसे पहले जो है नंबरिंग, जो इस स्टेप पर बात करते हैं, आप इसी स्टेप का फॉलो कीजिए। आप अगर इतना अगर आपको मालूम है तो आप सोए हुए में मैं आपसे पूछेगा भैया इसका नाम क्या होगा, तो आप बना कर रख दीजिएगा, आपको किसी से याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आज से आज की बात। आप देख लीजिए जो क्या है, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर क्या करना, सिलेक्शन करना है पहले चिन्ह कार्बन, सबसे पहले लंबा कार्बन चिन्ह हमें खोजना है। तो लंबा कार्बन चिन्ह जब हम खोजेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 उधर से भी जाइए उधर से भी जाइए, आपको क्या आएगा बराबर कार्बन चिन्ह आ सकता है। यहाँ पर सबसे जो आ गया हमारा यानी जो शाखा है वो आ गया है, तो आप सबसे पहले सिलेक्शन कर लीजिए लंबा कार्बन चिन्ह की। तो लंबा कार्बन चिन्ह हम सिलेक्शन कर लिए, सबसे पहले लंबा चिन्ह कार्बन चिन्ह जो है सिलेक्शन करके बाद अब क्या करना है नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करना लोएस्ट पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी कि नजदीक जो शाखा उस पर हमें क्या करना है। क्लास 11th में आपको जो है सो हिंदी मायने नहीं रखता है, जो भी छात्र हिंदी से होगा उसके लिए बता रहे हैं हम। तो अब क्या है सिलेक्शन यानी कि नंबरिंग करना है, तो अगर इधर से लेंगे तो 1 2 3 4 5 दो पोजीशन, तीन पोजीशन और चार पोजीशन में हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर उधर से लेंगे कितना पर, ए दो पर तीन पर चार पर, तो आपका इच्छा जिधर से चाहे आप उधर से भी ले सकते हैं। तो देखिए आपको दोनों पोजीशन समान आ रहे हैं, अगर इधर से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 दो पोजीशन तीन पोजीशन चार पोजीशन पर आ है, इधर से लेते हैं 1 2 3 यहाँ पर लिखते हैं 2 2 3 4 ठीक है, तो इधर से भी आ रहा है, तो आप जिधर से चाहे आप उधर से ले सकते हैं, आपके वह आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले क्या है कितने पोजीशन पर है, 1 2 3 4 पोजीशन पर है, तो 2 3 4 और क्या गो मिथाइल है, एगो मिथाइल यहाँ पर, दो गो मिथाइल यहाँ पर, तीन गो यानी कि सॉरी 1 2 3 मिथाइल है ना, तो तीन मिथाइल के लिए किस चीज का उपयोग करेंगे हम, ट्राई का उपयोग करेंगे। तीन मिथाइल के लिए किस चीज का उपयोग करेंगे, तो ट्राई ठीक है। अब बात करते हैं ट्राई, अब हो गया हमारा तीन मिथाइल ट्राई मिथाइल, तीन जो है सो तीन गो मिथाइल है, तीन मिथाइल है, तो तीन मिथाइल के लिए हम ट्राई का उपयोग किए हैं। अब देखते हैं जो कितना हो गया ट्राई हो गया, अब बात कर रहे कार्बन कितने कार्बन है, तो कार्बन कितना हमारा 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, पेंट का उपयोग कर रहे हैं पेंट। अब बात करते हैं जो क्या है, क्या कहीं पर दिख रहा है आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन का प्रयोग करते, तो एन हो गया हमारा। यह क्या है आपको कोई भी कंपाउंड लीजिए, आप कोई भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए उसका नाम आप चुटकी में लिख कर रख दीजिएगा। अब बात करते हैं हमारा गुरुजनों ने इसी तरह से सिखाया है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन को, तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चिन्ह पैरेंट कार्बन चिन्ह, तो सबसे पहले सिलेक्शन करना है, सबसे लंबा कार्बन चिन्ह हमें खोजना है। तो सबसे लंबा कार्बन चिन्ह आपको देखने से मालूम ही चल जाता है सबसे लंबा कौन है, सबसे पहले लंबा रास्ता कौन है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ले लीजिए लंबा कार्बन चिन्ह, आप कहीं से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, इधर भी एक है, अगर यहाँ पर नहीं रहता तो ये यहाँ पर जुड़ जाता, आपको यहाँ पर अगर रहता है कोई भी व्यक्ति को जो है सबसे पहले क्या होता है, कोई कहीं से भी टेढ़ा हो या जो है सो कहीं से कुछ है तो फिर इसी का अंग है ना, यहाँ पर दिया है तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, या इसको लीजिए तो ये हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ठीक है। तो आपको जो आप पर डिपेंड करता है, आप जिधर से चाहे उधर से ले सकते हैं, चलिए हम ले लिए लंबा कार्बन चेन ले सकते हैं। अब बात करता हूँ नंबरिंग करना ठीक है, लोएस्ट पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे नजदीक खोजना है, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, हम पहले नंबरिंग करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब देखना है सब इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। तो अब देखना है सबसे जो है कितने कितना स्थान पाता है, इधर से 2 पोजीशन पा रहा है, 4 पा रहा है ठीक है, 2 4 और कितने पर 6 पोजीशन पा रहा है। तो इधर से देखते हैं कितना कितना पोजीशन पा रहा है, सॉरी कितना है 2 इसके बाद 4 और 6 पोजीशन पा रहा है, इधर देख लीजिए, और इधर से लेते हैं तो 2 इसके बाद कितना 4 और कितना 6 पोजीशन पा रहा है। तो आप जिधर से चाहे उधर से भी ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पर, तो देखिए दोनों साइड से बराबर आप जिधर चाहे उधर से ले सकते हैं, कितना पोजीशन, 2 पोजीशन 4 पोजीशन और 6 पोजीशन पाए, तो कितना हो गया 2 4 6 ठीक है। अगर इधर से देखते हैं तो 2 पोजीशन पर 4 पोजीशन 6 पोजीशन पाए, तो आप जिधर चाहे उधर से आप ले सकते हैं ठीक है।
आप बात करते हैं जो अगला को अगला स्टेप हमारा क्या है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो हम आगे जाकर कुछ हम अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे। अब देखते हैं नंबरिंग, ठीक है, हो गया हमारा लोएस्ट पोजीशन। अब देखना तीसरा नंबर में नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने के लिए नंबर और जो है सो वर्ड नंबर और क्या बोलते हैं उसको लेटर के बीच जो है डैश होता है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हमें क्या, सबसे पहले इतना हो गया हमारा, देख लीजिए कितना कितना था हमारा सब्सिडेंट है वो डाल देते हैं यहाँ पे। इसके बाद दूसरा नंबर कहीं पर आपको साइक्लोन नजर आ रहा है क्या, इसमें कई बार घेरा नजर आ रहा है, साइक्लोन का यानी साइकिल आकार का कहीं पर घेरा घेरा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखते थे कितने कार्बन है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के पेंट का उपयोग करते हैं 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट का उपयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या देना है, कितना कार्बन कितना है यहाँ पर, 1, 2, 3 का अथी मिथाइल है जो ट्राई मिथाइल हो जाए, कितना है ट्राई मिथाइल प्राइमिथाइल। अब बात करते हैं कितना कार्बन है इसमें, तो 7 कार्बन किस चीज का उपयोग करते हैं, तो हेक्स का उपयोग करते हैं, तो हमारा क्या है हेक्स, तो देख लीजिए अच्छी एक्स हेक्स हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या आपको कितने कार्बन कितने बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, तो कितना कार्बन डबल एक सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन। आप कहीं पर भी कोई कंपाउंड उठाइए आपको नाम नहीं होगा आपका होता है एल्कीन ग्रुप एल्काइन ग्रुप हो गया, आपको नहीं होगा आप कमेंट करके पूछिए, अगर आपको दिक्कत होता है कमेंट करके पूछिए, आपके लिए जो है सबसे पहले आपके लिए हमेशा तैयार है, आप भी हमारे लिए तैयार रहिए। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अंधेरा हो गया है और हम लोगों का जो लाइट का कोई प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम है इसलिए रखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो क्वेश्चन है सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन करना है, लंबा कार्बन चेन खोजना है, तो लंबा कार्बन चेन कौन है उसको हमें खोज लेना है, ठीक है। तो लीजिए इधर से अगर आप लीजिए एक इधर भी एक इधर है बराबर हो गया तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन का कितना है हमारा, 7 कार्बन का लंबा चेन निकला है, तो क्या हमारा ये लंबा चेन सबसे लंबा कार्बन चेन निकल गया है, आप इस तरह से देख सकते हैं। अब देखना है क्या करना है, लोएस्ट पोजीशन नंबरिंग करना, लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे नजदीक इधर से करते थे 1, 2 पोजीशन और 4 पोजीशन पे 5, 6 पोजीशन पर आ रहा है, अगर इधर से कुछ काउंटिंग करते तो 1 पोजीशन पर नहीं आ रहा है, 2 पोजीशन, 3, 4, 5 पोजीशन पर आ रहा है, तो आप इधर से ले लीजिए क्योंकि सब जो है सीरियल वाइज में आ रहा है नजदीक भी आ रहा है, तो इधर से लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो देख सकते हैं कितने कितना पोजीशन हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहा उसको पहले लिख देते हैं, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 और कितना है 6 पोजीशन पा रहे, ठीक है। तो 2 हो गया 4 हो गया और 6 हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2, 3 और 6 हो गया, ठीक है, 2, 3, 4, 6 इतना पोजीशन पर क्या आ रहा है हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहा है, कितना आ रहा है 2, 4, 6 पोजीशन पर क्या हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक है 4 पे है और यहाँ पर 2 और 3 पे, ठीक है। तो अब इस तरह से हो गया, अब क्या करें कितने हैं, तो 4 मिथाइल है, 4 के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, टेट्रा का उपयोग करते हैं, ठीक है, 4 के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, टेट्रा का, अब टेट्रा हो गया, 4 के लिए किस चीज का उपयोग, टेट्रा का उपयोग करते हैं, कितने कार्बन है 7 कार्बन है ना, सॉरी ये मिथाइल है इसका नाम, तो मिथाइल देते, ठीक है, टेट्रा मिथाइल। अब बात करते हैं जो टेट्रा मिथाइल हो गया, अब कितने कार्बन है, तो 7 कार्बन है, 7 कार्बन किस चीज का उपयोग करते हैं, हेक्स का उपयोग करते हैं, तो हेक्स आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन। अगर आपको इतना वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, उन दोस्तों तक फैलाए जिसको केमिस्ट्री से डर लगता है, उन साथियों तक फैलाए जिसको केमिस्ट्री से डर लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप ही लोगों के बीच हैं आप ही लोगों पर हम भी डिपेंड है, अगर आप अपने जो है सो हमारे मनोकामना को आगे बढ़ाएंगे तो हम भी आपके लिए कुछ काम करेंगे। आप भी जो है सो और कुछ बताते, लेकिन लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है आपको 2 से 3 दिन हमारा वीडियो नहीं मिल पाएगा, कुछ असुविधा के लिए हमें भी खेद है, हम लोगों को जो है खोटोना ब्लॉक कैसे है सो लाइट मिल रहा है उसमें क्या होता है, तो जो पावर हाउस बोलते हैं उसमें आग लग गया है, तो उसी के लिए कुछ रिप्लाई होने में भी जो है टाइम लग जाएगा, तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। सोचे आज अपने साथियों को जो अपने सब्सक्राइबर को ये बात बता दे, और आप ही लोग हम तो कुछ और हैं, हमारे भी हमारे चैनल पे 2 व्यूज 4 व्यूज 5 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन इस मंथली में लगभग आपको जो है सो व्यूज आना स्टार्ट हुआ है कुछ, अब जो है सो पहले 2-4 आते थे लेकिन अब जो आ रहा है तो 20 आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, अब भी आ रहा है 20, 40, 50, लेकिन किसी दिन आएगा 20,000, 25,000, 50,000, वह आप लोगों पर डिपेंड करता है। चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।